अनिर्वाच्य विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ताय सेते वियदनिलते यो भवनयः यतश्च भूद्विश्वं चरम चरमोचवचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुख जनममृतम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलो भाई, जन्माद्यस्य यतः जन्माद्यस्य यतः द्वितीय सूत्र है। यतो वायमानि भूतानि जानते ये न जाता न जीवन्ते यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। ब्रह्म को जगत का कारण कहती है श्रुति, तैतरीय श्रुति। उसके ज्ञान से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। ब्रह्मविद आपनोति परम, इसलिए उसी श्रुति को आधार बना करके ये यहाँ पर ब्रह्म का लक्षण हुआ जन्माद्यस्य यतः। ठीक है, और ऐसी जो ब्रह्म जिज्ञासा होती है, ब्रह्म जिज्ञासा का पर्यवसान अनुभव में होता है। कहाँ पर होता है? अनुभव में होता है। ठीक है, अब ब्रह्म में प्रमाण केवल श्रुति आदि हो ऐसा नहीं, अनुभव भी होता है, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा अनुभव के लिए होता है। ठीक है, ये भाष्य में आया, अनुभव अवसानत्वाद् भूत विषयत्वाच ब्रह्म ज्ञानस्य। ये हुआ नारायण। टीका में आ गई थी, ब्रह्म जिज्ञासायां तो साक्षात अनुभवादीनां संभवो अनुभवार्थाच ब्रह्म जिज्ञासा इत्यतः अनुभव अवसानत्वात्। पृष्ठ नंबर क्या है राजू? 104। ठीक है ना, तो ब्रह्म जिज्ञासा होती है साक्षात अनुभव के लिए है, क्योंकि अनुभवार्थाच ब्रह्म जिज्ञासा। देखो क्या लिख दिया, ब्रह्म जिज्ञासा किसके लिए करते हो? वेदांत के लिए विचार क्यों करते हो? अनुभव के लिए। लिखा अनुभवार्थाच ब्रह्म जिज्ञासा अनुभवाय इयम इति अनुभवार्था, द्विजाय इयम इति द्विजार्था। नहीं हो गया ना, ये संपत्ति किसके लिए है? द्विज के लिए, ब्राह्मण के लिए है। ठीक, इसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा किसके लिए होती है? अनुभव के लिए है। इसलिए कही था अनुभव अवसानत्व है ना, तो अनुभव में ही अवसान होता है। अनुभव साक्षात्कार, साक्षात्कार पर्यंत ब्रह्म विचार करना होता है। भोजन करते हो तृप्ति पर्यंत, जब तक तृप्ति ना हो तब तक क्या करना चाहिए? शीर्षासन, भोजन करना पड़ता है। इसी प्रकार अनुभव तुमको करना है, साक्षात्कार करना है, इसीलिए क्या करना चाहिए? वेदांत का विचार करना चाहिए। ओके कि नहीं? अब ब्रह्म का अनुभव मतलब क्या चीज़ है? यहाँ पर टीकाकार ने क्या बताया? ब्रह्म साक्षात्कार है। ये देखो, ब्रह्म अनुभव मतलब यहाँ पर साक्षात्कार लेना है।
ब्रह्माकार वृत्ति में अविद्या की निवृत्ति होकर के जो है परब्रह्म अभिव्यक्त हो जाए। ठीक है, यही तो पुरुषार्थ है। और क्या पुरुषार्थ है? स्वरूप का साक्षात्कार हो जाना, यही पर पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। और अपना स्वरूप क्या है? आनंद रूप है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई प्रपंच है ही नहीं। जिसमें कोई प्रपंच है ही नहीं तो आनंद ही आनंद है। इसलिए प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम है ना, चतुर्थम मन्यन्ते मांडिक में आया है ना, ये कह रहे थे निर्निष्ट निखिल दुख परमानंद रूपत्वात्। क्योंकि यही सब चाहते कि नहीं, मुझे परमानंद रूप प्राप्त हो, समस्त दुख की निवृत्ति हो, है कि नहीं? यही वास्तविक पुरुषार्थ है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? बस अविद्या को ही दूर करना पड़ता है, और कुछ नहीं करना है। वेदांत प्रमाण ब्रह्माकार वृत्ति को उत्पन्न करके अविद्या को दूर कर लेता है। और परमानंद तो अपना स्वरूप ही है नारायण। इसलिए क्या कहा? निर्मृष्ट निखिल दुख। मृज धातु होता है, मृजो शुद्धौ, क्या धातु है? मृज शुद्धौ शुद्धि है ना। हाँ, शुद्धि अर्थ में मृज धातु होता है। निरुपसर्ग लगाओ, निरुपसर्ग मृज धातु से त प्रत्यय करने पर क्या बन जाएगा? निर्मृष्ट मतलब आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक शुद्धि। ठीक है ना। हाँ, ये कौन किसको हटाना है? समस्त दुखों को। आत्यंतिक दुख निवृत्ति नैयायिक लोग बोलते हैं, जिसमें दुख की निवृत्ति हो, उसमें दुख का प्रागभाव न हो। सुषुप्ति में जाते हैं तो दुख की निवृत्ति तो होती है, लेकिन दुख का प्रागभाव बैठा है वहां पर, क्योंकि दुख का हेतु है ना। अविद्या काम है, अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म जब तक है तो दुख का प्रागभाव तो रहेगा, तो दुख की निवृत्ति आत्यंतिक नहीं होती। ज्ञान से ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। समझाया? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, यह निर्विष्ट निखिल दुख का अर्थ हुआ। और परमानंद स्वरूप की अनुभूति, इसको कहते हैं मोक्ष। आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की अनुभूति है, प्राप्ति, इसको बोलते हैं मोक्ष। इसी का नाम है परम पुरुषार्थ। हो गया भाई, आगे चलो। टीका में ननु भवतु ब्रह्म अनुभवार्था जिज्ञासा। ये जिज्ञासा किसके लिए है भाई? जिज्ञासा का अर्थ क्या था मालूम है आपको? हाँ नहीं, जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान के लिए विचार, ज्ञान के लिए। समझ मैंने, किसके लिए? ज्ञान के लिए। वेदांत का विचार को बोलते हैं जिज्ञासा। ठीक है, ये जिज्ञासा जब करते हो, विचार करते हो वेदांत का, ये किसके लिए? वेदांत का विद्वान बनने के लिए क्या, कि प्रवचन करने के लिए? बहुत लोग यही करते हैं, लिख कर रखते हैं कि वहाँ पर ये बोलना है, यहाँ पर ये बोलना है, वहाँ पर ये बोलना है, बस इसी में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। किस में? बोलने के लिए। बस बोलना आ गया तो बस पुरुषार्थ हो गया पूरा। ठीक है भाई, तो इसी में लगे रहते हैं। तो ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, विचार किसके लिए करना है? बस ब्रह्मा अनुभवार्था जिज्ञासा। बड़े बड़े कथाकार लोग, कथाकार मिलते हैं तो यही पूछते हैं आपस में, तुम्हारी कथा में कितने आदमी आए थे और कहाँ से आए थे, ये भी पूछा करते हैं। सच में कि नहीं है ना, इसमें ही पूरा जीवन चला जाता है। और शरीर छूट जाएगा तो क्या मुक्त हो जाएगा? बोलो, भले ही उनको लाखों लोग मुक्त माने तो मुक्त नहीं होगा। ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ है तो मुक्त कोई भी नहीं होगा। ठीक है, है कि नहीं? भले ही साक्षात्कार दिन बनाते रहे, उनके भक्त लोग भले ही साक्षात्कार दिवस मनाते रहे, लेकिन साक्षात्कार जब नहीं हुआ है तो शरीर धारण तो निश्चित है, करना ही पड़ेगा।
इसलिए ध्यान दो, जिज्ञासा किसके लिए होती है? ब्रह्म अनुभवार्था जिज्ञासा, ब्रह्म अनुभवाय यम इति ब्रह्म अनुभवार्था। क्या समास हुआ? चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, अब क्या बोलते हैं पूर्व पक्षी? अरे भाई, तुम्हारे कहने से हो जाएगा ब्रह्म का अनुभव? ब्रह्म का अनुभव होता ही नहीं है, ये बोलते हैं। तत् अनुभव एव तु अशक्य है, ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा? ब्रह्म का ये अनुभव कहेंगे, देखो घट का ज्ञान, घट का ज्ञान कहने से क्या होगा? ज्ञान का विषय कौन हो गया? घट हो गया। अब ब्रह्म का अनुभव कहने से अनुभव का विषय कौन हो गया? ब्रह्म। तो ब्रह्म तो विषय हो गया, तो ब्रह्म जब विषय होगा तो जड़ हो जाएगा, चेतन कैसे होगा? ऐसे में ये बोलते हैं पूरा पक्ष है। ठीक है ना, तत् अनुभव तु अशक्य। क्यों भाई? ब्रह्मण तद विषत्व आयोगात अयोग्यत्वात्। ये ब्रह्म तो चेतन स्वरूप है कि नहीं? चेतन स्वरूप जो होता है वो तो किसी का विषय नहीं होगा, उसमें विषयता कैसे रहेगी? है, वो तो सबको प्रकाशित करता है, बोलते हो किसी से प्रकाशित नहीं होता है। तब तो तुम्हारा ब्रह्म अनुभव का विषय कैसे होगा? स्वयं अनुभव रूप है वो, जो स्वयं अनुभव रूप है वो विषय नहीं होगा। विषय भी कहते हो और अनुभव स्वरूप भी कहते हो, चेतन स्वरूप, तो क्या दोष हुआ? व्याघात दोष हो गया। मम मुखे जीवा नास्ति, ये हो गया कि नहीं? इसी बगैर बोल रहा है पूर्व पक्षी। इत्यतः देखो क्या लिखते हैं, कहते हैं कि जो है भाष्य में भूत वस्तु विषयत्वाच ब्रह्म ज्ञानस्य। देख तो ये ब्रह्म जो है ना वो घटपटादि की तरह नहीं है। घटपटादि तो भूत वस्तु सिद्ध वस्तु नहीं है, वो जड़ पदार्थ है। अब ब्रह्म कैसा है? भूत, भूत मतलब पंचो महाभूत नहीं, भूत मतलब सिद्ध है। हाँ, ये तुम्हारा ज्ञान ब्रह्म को सिद्ध नहीं करता है, हैं? ये ब्रह्माकार जो वृत्ति होती है ना वो केवल अज्ञान को दूर करते, ब्रह्म को सिद्ध नहीं करती है। ऐसा नहीं कि ब्रह्माकार वृत्ति होने से ब्रह्म होगा सिद्ध, ऐसा नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति होने से जैसे सुखाकार वृत्ति हुई तो सुखाकार वृत्ति प्रकाशित हो जाती है, ब्रह्माकार वृत्ति भी क्या हो जाती है? प्रकाशित हो जाती है। समय चित्त हो गया अत्यंत शुद्ध, चित्त दर्पण की तरह अत्यंत शुद्ध होने से उसी शुद्ध अंतकरण में ब्रह्माकार वृत्ति भी हो जाएगी। इसलिए शुद्ध ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म क्या होता है? अभिव्यक्त हो जाता है। समझ में आया? मतलब वो स्वयं प्रकाशित हो जाती है। कौन? वृत्ति ब्रह्म से स्वयं प्रकाशित हो जाती है। किससे? हाँ, इसी को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। और क्या है? वृत्ति व्याप्ति इसी का नाम है। समझ में आया ना? फल व्याप्ति नहीं मानते ना, ये पंचोदशी में सब विचार आया कि नहीं? बुद्धि तस्त चिदाभासो द्वावापो व्याप्नुतो घटम तत्रा ज्ञानम धिया नश्चेत आभासेन घटस्फुरित, कि नहीं? हाँ, पंचोदशी में आया। बुद्धि मतलब वृत्ति, वृत्ति का भी संबंध होता है घट के साथ, और चिदाभास का भी संबंध घट के साथ। तो वृत्ति क्या करती है? उसके आवरण को दूर कर लेती है, और चिदाभास उसको घट को क्या करता है? हाँ, आभास है ना घटस्पुर। तत्रा ज्ञानम ध्यानश्चेत, मतलब वृत्ति के द्वारा बुद्धिस्त जो घटाकार वृत्ति है, घटाकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन घट तो जड़ है, वो संप्रकाशित तो होगा नहीं, इसलिए आभास है ना घटस्फुरेत। आभास मतलब फल चेतन, क्या कहते हैं? फल चेतन। इसलिए दोनों का वहाँ पर संबंध है, वृत्ति व्याप्ति भी है और फल व्याप्ति है। सही है ना? लेकिन ब्रह्म तो ऐसा नहीं है, घट पट आदि की तरह जड़ है ही नहीं, परंतु ब्रह्म होने पर भी उसकी विशेष अभिव्यक्ति नहीं हो रही अज्ञान के कारण। सामान्य रूप से तो है ही, लेकिन विशेष रूप से अभिव्यक्ति उसकी ब्रह्म की नहीं हो रहे, इसलिए अज्ञान तो मानना पड़ेगा।
उस अज्ञान को दूर करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता होती है। ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान रूपी आवरण की जब निवृत्ति हो गई, ब्रह्म तो है ही वो चेतन स्वरूप, लेकिन उसको प्रकाशित करने के लिए है ना फल की कोई आवश्यकता, फल मतलब चिदाभास, चिदाभास की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसे में ऐसा होता। चलो भैया, इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं भूत वस्तु विषयत्वाच, भूत वस्तु कौन है? ब्रह्म, ठीक है, उसी को विषय करता कौन? वृत्ति। ब्रह्म ज्ञान से भूत वस्तु विषयत्वात्, समझ में आया? मतलब वृत्ति व्याप्ति तो है, फल व्याप्ति ये जरा समझना पड़ता है। यहाँ पर कह दिया अवाग मनस गोचर, जन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदीय ब्रह्मतम विधि नेदम यदिदम उपासते। तो यहाँ पर जो निषेध किया गया है, यहाँ पर फल व्याप्ति का निषेध है, वृत्ति व्याप्ति जहाँ का जहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर वृत्ति व्याप्ति, मनसा एव अनुद्रष्टव्य नेह नानास्ति किंचन, ऐसे में ना वहाँ पर मन से देखने योग्य बोल दिया, तो वहाँ पर वृत्ति व्याप्ति को कही गई। आ गया? तो ऐसा नहीं कि फल चैतन्य होने से, ब्रह्मकार वृत्ति होने से तो उसमें जो कोई अतिशय उत्पन्न होगा, जो चिदाभास का संबंध हुआ घट में, तो घट अतिशय हो गया, घट भाषित हो गया, आ गया? परंतु ऐसा नहीं कि ब्रह्माकार वृत्ति होने से ब्रह्म में कोई अतिशय उत्पन्न होगा, है ना? जहाँ पर अतिशय उत्पन्न होता है उसमें फल व्याप्ति होती है। क्या? जहाँ पर अतिशय उत्पन्न होगा है होता है वहाँ पर फल व्याप्ति मानी जाती है। ये पहले बताया था वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयवत्व, इसको कहते हैं फल व्याप्यत्व। फल व्याप्यत्व कहो फल व्याप्ति कहो एक ही अर्थ है, ठीक है? क्या लक्षण हुआ? वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयवत्व, इसका लक्षण फल व्याप्यत्व का लक्षण। ये तो घटपटादि में है, क्योंकि चिदाभास से घट में अतिशय होता है, घट स्फुरण होता है। आ गया कि नहीं? इसलिए फल व्याप्यत्म एवास्य शास्त्र कृत भी निवारितम, पंचदशी कर कहते हैं ब्रह्म में फल व्याप्यत्व का निषेध किया गया, लेकिन इसलिए स्वयं स्फुरण रूपत्व नाभास उपजुजते, ब्रह्म स्फुरण स्वरूप होने से, चेतन स्वरूप होने से चिदाभास फल चेतन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा में ये जरा सा समझ के रख लो, नहीं तो फिर जो है सिद्धांत में विरोध होता है, न समझने से विरोध जैसा लगता है। हाँ, कोई विरोध आए? हाँ, वो समझना पड़ता है ना, समझना पड़ता है, गुरु परंपरा से अध्ययन करना पड़ता है अभिमान को छोड़ करके। चलो आगे बढ़ें। अच्छा, भाष्य ये आ गया, कहाँ चला गया भाष्य? हाँ, भूत वस्तु विषयत्वाच ब्रह्म ज्ञानस्य, ओके कि नहीं? ब्रह्म ज्ञान किसको विषय करता है? भूत वस्तु, सिद्ध वस्तु को विषय करता। सिद्ध वस्तु कौन? परब्रह्म, वो स्वतः सिद्ध है। अच्छा, टीका थोड़ी सी ले लो भाई। कहते हैं कि व्यतिरिक व्यतिरिक साक्षात्कार से विकल्प रूपो विषयी विषयी भाव, ये देखो देर समझने की बात है। यहाँ पर व्यतिरिक साक्षात्कार से, व्यतिरिक साक्षात्कार क्या है? टिप्पणी में दिया है, तीन टीका वाली बड़ी पुस्तक में टिप्पणी में दिया है एक नंबर में। तो व्यतिरिक का अर्थ होता है अभाव, व्यतिरिक का अर्थ क्या होता है? अभाव, प्रपंच का अभाव, ठीक है ना? और अभाव नाम की भी कोई वस्तु नहीं है ब्रह्म में, सुनते हो? रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो गई, सर्प
सर्प के निवृत्ति जो अभाव है, ये कि अतिरिक्त पदार्थ है क्या रस्सी से क्या? हाँ, अधिष्ठान अधिकरण स्वरूप होता है। जैसे सर्प के निवृत्ति अधिष्ठान रज्जु स्वरूप ही है, ना सर्प अतिरिक्त है ना सर्प का अभाव अतिरिक्त है, रज्जु से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आगे इसी प्रकार से समस्त प्रपंच का जो अभाव है, अभाव नाम के भी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए ब्रह्म जो निर्विशेष है वो प्रपंच अभाव उपलक्षितम। आगे समझ में, इसी का नाम हो गया है कि जो ब्रह्म है प्रपंच अभाव उपलक्षितम स्वरूप, इसको कहते हैं व्यतिरेक क्या क्या व्यतिरेक साक्षात्कार। साक्षात्कार है ब्रह्म चेतन स्वरूप, वो कैसा है? व्यतिरेक, व्यतिरेक का अर्थ अभाव से उपलक्षित। जैसे सर्प के अभाव से उपलक्षित रज्जु है, ज्ञात रज्जु अधिष्ठान स्वरूप हो गया ना। इसी प्रकार ज्ञान से जो अविद्या की निवृत्ति होती है, अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित कौन? परब्रह्म ही है। परब्रह्म से अविद्या की निवृत्ति कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। आ गया कि नहीं? इसलिए शुकाचार्य ने कहा निवृत्तिर आत्मा मोहस्य ज्ञातत्वे नोपलक्षितः उपलक्षण नाशे भी सद मुक्ति ही पाचकादिवत। बड़ा सुंदर लिखते हैं शिशुकाचार्य। हैं निवृत्तिर आत्मा मोहस्य, मोह मतलब अविद्या, अविद्या की निवृत्ति अधिष्ठान स्वरूप है। वो क्या स्वरूप है? अधिष्ठान स्वरूप है, ठीक है ना। ये किसी का फोन आ रहा है बार बार। रामेश्वर का है, 8-8 मिनट समझ में आना चाहिए, उनको पाठ चल रहा है। बोल दूं? बोल देता हूँ। चलिए, अच्छा। व्यतिरेक साक्षात्कारस्य, व्यतिरेक साक्षात्कार हो गया परब्रह्म स्वरूप, उसका जो ब्रह्माकार वृत्ति के साथ मतलब अनुभव के साथ जो संबंध बनता है विषय विषय भाव, वो विकल्प रूप है, वास्तविक कोई संबंध नहीं है। देखो पंक्ति लगाओ, व्यतिरेक साक्षात्कारस्य, व्यतिरेक साक्षात्कार कौन हो गया? परब्रह्म स्वरूप। परब्रह्म स्वरूप के जो संबंध है किसका? वृत्ति का, ब्रह्माकार वृत्ति का, उसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। अंतकरण कल्पित है, और अंतकरण का जो धर्म है ब्रह्माकार वृत्ति, वो क्या सत्य होगा? दोनों मिथ्या है, समझ में नहीं? मिथ्या पदार्थ ही मिथ्या को निवृत्त करता है, समझ में आया? है अज्ञान मिथ्या है, इसलिए अज्ञान मिथ्या है, इसलिए मिथ्या वस्तु को दूर करने के लिए कोई सत्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न का रोग को दूर करने के लिए कोई वास्तविक दवाई की आवश्यकता नहीं है। आगे ना अविद्या का संबंध है ब्रह्म के साथ, ना ब्रह्माकार वृत्ति का कोई संबंध है, दोनों का कोई संबंध है ही नहीं, आया समझ में? इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति विषयी, अब ब्रह्म विषय मतलब वृत्ति व्याप्ति मानते हो, वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति कि नहीं, उसका संबंध किसके साथ मान रहे हो? ब्रह्म, क्या संबंध हुआ? विषय विषयी भाव। यहाँ तो वास्तविक संबंध है, देखो चक्षु और घट आया, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति और ब्रह्म के साथ क्या संबंध है? वास्तविक कोई संबंध नहीं, हाँ विकल्प। जो जो सूत्र विकल्प कहते हैं ना, शब्द ज्ञान पाती वस्तु शून्य विकल्प, ये विकल्प वास्तविक कोई संबंध नहीं हो गया। देखो लिखे हैं टीका में, विकल्प रूपो विषय विषय भाव, ब्रह्म के साथ वृत्ति का जो संबंध है वो विषय विषय भाव कोई वास्तविक संबंध नहीं है, विकल्प है वो, विकल्प बोले मिथ्या है, वास्तविक नहीं, ठीक है नारायण।
अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। न तो एवं धर्म ज्ञानम अनुभव अवसानम। ये देखो भाई, बोलते हैं ब्रह्म का जो अनुभव होता है, साक्षात्कार, स्वरूप का साक्षात्कार हो गया और कुछ करना पड़ता है क्या? बोलो, अपने स्वरूप को आपने जान लिया, कुछ करना पड़ेगा कि ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा? कहीं जाना नहीं पड़ता है। अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया तो अविद्या की निवृत्ति हो गई, आपका परमानंद स्वरूप तो है ही हो उसकी प्राप्ति हो गई है कि नहीं? जो प्राप्त था वो प्राप्त हो गया, जो ज्ञात जान जो जानना था वो जान लिया, कोई भी शेष नहीं रहता है, आ गया। लेकिन धर्मों को आपने जान लिया, स्वर्ग कामो जजेत, स्वर्ग जाग से प्राप्त होता है, तो मिल जाएगा स्वर्ग आपको जानने से। धर्म को जानने मात्र से धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, अनुष्ठान करना पड़ता है। तो अंतर है कि नहीं, ब्रह्म का अनुभव और धर्म का अनुभव में अंतर होता है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है नारायण। न तु एवं धर्म ज्ञानम अनुभव अवसानम। धर्म का जो ज्ञान हुआ उसका अवसान अनुभव में हुआ क्या? आपने शब्द प्रमाण से धर्म को जाना, सर्व काम जजेत अग्निहोत्रम जुहिया सर्व काम कार्या जजेत वृष्टि काम पशुना जजेत, ये सब हुआ। ये धर्मों का ज्ञान होने से हैं तो धर्म तो प्राप्त होगा नहीं, इसलिए धर्म ज्ञानम अनुभव अवसानम न तो एवं तद अनुभवस्य स्वयं अपुरुषार्थत्वात्। तद अनुभव मतलब धर्म का अनुभव, आपने धर्म को जाना किस प्रमाण से? शब्द प्रमाण से है। तो जो शब्द प्रमाण से जो धर्म को जाना, तो वो जो धर्म का अनुभव हुआ, ये स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है नहीं है? धर्म का ज्ञान स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप नहीं है, क्योंकि अनुष्ठान करना पड़ता है, वो भी समय आएगा, शरीर छूटेगा तब जाकर आपको मिलेगा। हाँ बराबर है, ठीक है। तत् अनुष्ठान साध्यत्वात् पुरुषार्थस्य। ये देखो भैया, पुरुषार्थ तो साध्य है किससे? तत् अनुष्ठान, देखो जो जो पुण्य है ना उसको भी धर्म कहते हो, लेकिन पुण्य की प्राप्ति जिससे होती है उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी धर्म कहते हैं, है ना? इले जागातिरेव धर्म, हाँ भैया जागातिरेव धर्म, उसको भी धर्म कह देते हो। हैं जा जाग को भी, यज्ञ जो करते हैं ना उसको भी क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। यतो अविद्या निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, हाँ। किसने कहा? गौतम ने कहा, यतो अविद्या निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, हाँ। उसको भी धर्म कहते हो। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म, हाँ। उसको भी धर्म कहते हो, नहीं? और क्या कहा? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हाँ आप आगे क्या है? अप्रियम च नादृतम ब्रूयात, है ना? हाँ ऐसा धर्म, हाँ प्रियम च नादृतम ब्रूयात, प्रियम च नादृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन, ऐसा बोल दिया, नहीं? इसको भी धर्म कह दिया। चलो अच्छा, तत् अनुष्ठान साध्यत्वात् पुरुषार्थस्य। अनुष्ठानस्य च बिनापि अनुभवम् शब्द ज्ञान मात्रादेव सिद्ध है। देखो भाई, जो धर्म का जो अनुष्ठान करते हो, किसका अनुष्ठान? धर्म का जो अनुष्ठान करते हो, जिससे धर्म आपको प्राप्त होगा जागादि से, उसका अनुष्ठान जो करते हो वो बिना आप ही अनुभव। धर्म का आपको साक्षात्कार हुआ है क्या? यहाँ पर बिना आप ही अनुभवम, अनुभव का अर्थ यहाँ पर लाना है साक्षात्कार। क्या लाना है? साक्षात्कार प्रत्यक्ष, धर्म का प्रत्यक्ष होता है क्या? वो तो केवल शब्द प्रमाण से जाना जाता है, शब्द प्रमाण से धर्म का परोक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष तो नहीं होता है। आ गया कि नहीं? ये बोलते हैं शब्द ज्ञान मात्रा। शब्द ज्ञान मतलब क्या है? शब्द प्रमाण से होने वाला ज्ञान, सर्व कामो जजेत। तो क्या ज्ञान आपको हुआ?
स्वर्ग की प्राप्ति जाग से होती है, जाग से धर्म होगा कि नहीं, हो गया ना। तो ये जो ज्ञान हुआ वो किससे हुआ? शब्द प्रमाण, इसलिए शब्द ज्ञान मात्रात, शब्द प्रमाण जन्य ज्ञान मात्र से जागादि का अनुष्ठान हो जाता है। धर्म को साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है नारायण। इसलिए एव सिद्धे है इत्यतः, इस अभिप्राय से कहते हैं कर्तव्य ही, भाष्य देखो कर्तव्य ही विषय, ओ दिस जागादि से धर्म होता है, वो हो गया कर्तव्य। कर्तव्य ही विषय, कर्तव्य विषय कौन हुआ? जागादि विषय से लो, जागादि लीजिए, दान पुण्य ये सब ले लो और क्या, ठीक है। न अनुभव अपेक्षाया अस्ति, वो धर्म का अनुभव हो ये कोई अपेक्षा नहीं है। अनुभव साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, शब्द प्रमाण मात्र से आप धर्म कर लेते हो, जागादि पुण्य कर लेते हो, नहीं है कि नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ा है तो महापुरुष के शरण से जाएगा, और बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि वेद पढ़ा हो तब जब जाकर जागादि करेगा, ऐसा नहीं है। जो नहीं पढ़ा है वो भी महापुरुष के उपदेश से वो जो है वो मान लेता है। पंडित जी जैसा बोल दिया ऐसा कर देता है वो, बस पंडित जी के, चलो भाई पंडित जी से पूछ लेते हैं, पंडित जी झूठ नहीं बोल सकते ना। पर एक गाँव में बहुत ऐसा था, हिम्मत नहीं होती थी पंडित से झूठ बोलने की। कोई चोरी किया है, नहीं मानता कि मैं चोरी किया, चलो पंडित जी के पास, चलो वहाँ जाओ, ना ना मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ। तो कितनी श्रद्धा होती थी पहले, बड़ी श्रद्धा होती थी कि नहीं। इसलिए उनका सारा वाक्य क्या है? धर्म है, हाँ तो मान रहा है ना। उससे कर लेता है। तो कर्तव्य ही विषय न अनुभव अपेक्षा अस्ति इति, इसलिए क्या हो गया? श्रुत्यादीनाम एव प्रामाण्यम स्यात्। इसलिए धर्म में प्रमाण कौन है? श्रुत्यादि। श्रुत्यादि से श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण वो भी ले सकते हो, और श्रुति इतिहास पुराण वो भी ले सकते हो, ठीक है। बोलो हाँ, मिलता है अभी, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा इसको। वो भी वैसे ही सुख और क्या है, वैसे ही का सुख है ना। वैसे ही कर्म करने से रस मिलता है, मन एकाग्र होता है और क्या है, मन एकाग्र होने मात्र से सुख हो जाता है कि नहीं, ऐसा होता है। किसी को जो कर्म से भी होता है, किसी को फल से भी होता है। फल होने से पहले भी सुख मिलता है, जैसे भोजन कोई बनाता है कि नहीं, भोजन बनाते से बड़ा सुख मिलता है कि नहीं, बोलो। और खाने के बाद तो मिलता ही है। भोजन कराते समय भी मिलता है, करने के बाद क्यों, भोजन कराते समय भी लोगों को बड़ा सुख मिलता है कि नहीं। तो मन एकाग्र क्या है? मन एकाग्र के लिए कर्म होता है। चलो आगे बढ़े। तो श्रुत्यादि नाम एव प्रामाण्यम, श्रुत्यादि हो गए धर्म में क्या है? प्रमाण है, प्रामाण्यम स्यात, है ना। पुरुष अधीन आत्मलाभत्वाच्च कर्मस्य, लेकिन वो धर्म को जानने मात्र से आपको धर्म नहीं होगा, आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनुष्ठान के बिना तो धर्म प्राप्त नहीं होगा, ये बोलते हैं, है कि नहीं। इसलिए कर्तव्य जो धर्म है वो किससे प्राप्त हो रहा है? पुरुष अधीन आत्मलाभत्वात्, आत्मलाभ का अर्थ है स्वरूप, धर्म स्वरूप की जो प्राप्ति होगी वो पुरुष के अधीन, जो करेगा उनको धर्म मिलेगा, आगे कि नहीं आगे, ठीक है। इसलिए पुरुष अधीन, पुरुषा अधीनम आत्मलाभ यस्य, आत्मलाभ का अर्थ स्वरूपम, धर्म जो प्राप्त होगा वो आपके अधीन है, पुरुष के अधीन है ना, यही बात आगे कह रहे हैं। आप धर्म करेंगे तो धर्म मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आगे समझ में,
है कि नहीं। इसलिए जो है वो कर्म आपके अधीन होता है, कर्म और ज्ञान में यही अंतर होता है। ठीक है, कर्म पुरुष के अधीन है और ज्ञान आपके अधीन नहीं होता है, वस्तु। इसलिए वस्तुतंत्र भवेद ज्ञानम कर्तृतंत्रम उपासनम, पंचदशीकार कहते हैं कि नहीं। वस्तुतंत्र भवेद ज्ञानम, प्रमाण का संबंध हो गया, आपका चित्त शुद्ध है, वेदांत का विचार करते हो, तो ज्ञान तो कि नहीं होगा। हैं कुमारिल ने ही कहा कि संबद्धम वर्तमानम च गृहते चक्षुरादिना, घट सामने है, आपकी चक्षु का संबंध हो गया, मन का एकाग्र हो गया, तो ज्ञान नहीं होगा। बोले ना नहीं, हमको ज्ञान नहीं चाहिए। आप चाहो या ना चाहो, संबंध हो गया तो ज्ञान तो होगा ही होगा। आपका चित्त शुद्ध है, वेदांत का विचार करते हो, तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो होता ही है, इसलिए ये ज्ञान किसके अधीन हुआ, क्योंकि शब्द प्रमाण, प्रमाण के अधीन होता है ज्ञान, और वस्तु के अधीन होता है। वस्तु ना हो तो ज्ञान कैसे होगा, वो तो है ही। ठीक है, चलो तो कर्तव्यस्य, अच्छा थोड़ी टीका ले लो। न च अयम यही चलेगा, न च अयम साक्षात्कार विषयता योग्यो अपि अवर्तमानत्वात्। देखो ये धर्म है ना, न च अयम, अयम करें धर्म, ये जो धर्म होगा है, इसका साक्षात्कार होता है क्या, क्यों नहीं होता है? वो तो अभी हुआ ही नहीं, तो साक्षात्कार कैसे होगा? धर्म तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका साक्षात्कार कहाँ से होगा? जाग आदि अनुष्ठान करोगे तब जाकर आगे धर्म होगा, अभी धर्म हुआ कहाँ? ऐसा समझ में, ये बोलते हैं नाचा अयम, अयम गण से धर्म साक्षात्कार विषयता योग्य, मतलब साक्षात्कार विषय की योग्यता नहीं है, मतलब साक्षात्कार धर्म का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? अवर्तमानत्व, वो तो अभी विद्यमान ही नहीं है, ये बोलते हैं। अवर्तमानश्च, वो तो वर्तमान ही नहीं है, इसलिए अनवस्थितत्व, वो सिद्ध है क्या धर्म? धर्म सिद्ध नहीं है, लेकिन ब्रह्म सिद्ध है। हाँ, जिस समय आपको ज्ञान नहीं हुआ है कि अहम अस्मि परब्रह्म, फिर भी ब्रह्म है कि नहीं? ज्ञान हुआ हो अथवा ज्ञान ना हुआ हो, जिसका ज्ञान होना है वो तो सिद्ध ही है पहले से, लेकिन धर्म पहले सिद्ध नहीं है। समझ में, शब्द प्रमाण से इतना ज्ञान होता है कि धर्म आगे होगा, बस इतना होता है। ठीक है नारायण, इसलिए बोल दिया कि जो है भाष्य में देखो, पुरुषा अधीन आत्मलाभत्वाच कर्तव्य से, कर्तव्य रूप जो धर्म है वो तो आपके अधीन है, आप अनुष्ठान करते हो तो धर्म की प्राप्ति होगी। ठीक है नारायण, थोड़ी टीका है। पुरुषा अधीनत्वम एव लौकिक वैदिक कार्याणि, चाहे लौकिक कार्य हो चाहे वैदिक कार्य हो, ये आपके अधीन है। अनुष्ठान करने वाले जो पुरुष है व्यक्ति, उसके अधीन ही लौकिक कर्म भी होता है और वैदिक कर्म भी होता है। ठीक है नारायण, इसलिए बोलते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, भाष्य में लौकिकम वैदिकम च कर्म, चाहे लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म, इसमें विकल्प होता है। वे देखो कर भी सकते हो, कर्तुम आई क्या लिखे है अकर्तुम, और तीसरा क्या है अन्यथा वा कर्तुम सक्यम, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अथवा अन्य प्रकार से भी कर, अन्य प्रकार से भी मनमानी नहीं, वो भी शास्त्रीय दृष्टि से। लोग सुनते ही लोग बोलते कि अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसलिए शास्त्र को पूरा सुनना है, क्या कैसे में इतना बोल रहे हैं ना, और बगल से कोई जा रहा है, अरे स्वामी जी वहाँ पर ऐसा बोल रहे थे कमरे में, क्या बोल रहे थे? अन्यथा वा कर, तुम अन्य प्रकार से भी कर सकते हो, इसलिए बाहें से भी खा लो, डाँ से भी खा लो और बाँ से भी खा लो, कैसे भी तो खाना है। ऐसी ऐसी भी जो कुतर्क जो है लोग करते हैं, धर्माधर्म में कुतर्क होता है क्या? नहीं होता है। शास्त्र जैसा कहता है ऐसा आप करोगे तब जाकर धर्म होगा।
जहाँ पर शास्त्र दृष्टि से अन्यथा करण कहा गया वहाँ पर तो कर सकते हो, अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम सक्यम लौकिकम वैदिकम च कर्मा। ठीक है, थोड़ी टीका ले लो। लौकिकम कार्यम अनवस्थितम, लौकिक कार्य भी पहले सिद्ध तो है ही नहीं, अब करेंगे तो कार्य होगा कि नहीं। जैसे टीका में आ गया यथा अश्वेन, दृष्टांत देखो, भाष्यम अब देखो, यथा अश्वेन गच्छते, दूसरी जगह में जाना है, कोई घोड़े से भी जाता है। यथा अश्वेन, अरे पहले के जमाने में हैं उत्तम जान कौन है, उत्तम जान कौन अश्व ही था नहीं। यथा अश्वेन गच्छति, जैसे कोई घोड़े से जाता है नारायण, है कि नहीं। आ कोई बड़ा व्यक्ति तो हाथी से भी जाएगा वो। यथा अश्वेन गच्छति अथवा पदभ्याम, पाँव से जाएगा पदभ्याम, हाँ अन्यथा वा अथवा अन्य प्रकार से भी जाएगा, हाथी से भी जाएगा। क्यों भाई, अन्यथा कहने से दोनों से अतिरिक्त से भी जाएगा, है कि नहीं। अरे इच्छा नहीं तो क्यों जाएगा, जाना ही नहीं हमको। नवा गच्छति, ये लौकिक कर्म हो गया। लौकिक कर्म में कितने हुआ, कर्तुम हाँ बराबर है कि नहीं, हो गया। टीका में क्या दिया आगे, लौकिक उदाहरण है ना, लौकिक का उदाहरण दे दिया, लौकिक है ना उदाहरण न सह वैदिकम उदाहरण समुच्चिनोते। वैदिक कर्म भी ऐसा होता है, वो भी शास्त्रीय प्रमाण से, शास्त्र प्रमाण से भी तीन प्रकार का हो जाएगा। देखो वैदिक कर्म में भेद हो जाएगा, तथा तथा एक किस अर्थ में, समुच्चय अर्थ में, भाष्य में जो तथा दिया है तथा समुच्चय अर्थ में, ठीक है ना। लौकिक कर्म के साथ वैदिक कर्म का समुच्चय हो जाएगा तथा शब्द से। अतिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति, नातिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति, ये देखो लिख दिया, क्या लिख दिया, हाँ ये कर्तुम अकर्तुम तीन भेद कर रहे हैं ना, क्या क्या है। कर्तुम मतलब कर सकता है, अकर्तुम नहीं कर सकता है, अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से भी। पहले कर्तुम अकर्तुम ये दोनों को दिखा रहा है, ठीक है। अतिरात्र मतलब एक कर्म का नाम है, एक वैदिक कर्म विशेष का नाम है, क्या है अतिरात्र, रात में ऐसा अर्थ नहीं, यहाँ पर अतिरात्र वैदिक कर्म का नाम है। वो अतिरात्र कर्म में वो षोड़शी नाम गृह्णाति, षोड़शी मतलब क्या, षोड़शी मतलब पात्र, एक पात्र का नाम है षोड़शी, ठीक है। वो षोड़शी पात्र का ग्रहण करना करना होता है, षोड़शी नाम गृह्णाति, ये कर्तुम शक्यते का बराबर है। और नातिरात्रे इच्छा नहीं तो षोड़शी पात्र ग्रहण नहीं भी करेगा वो, न अतिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति, मतलब कर भी सकता है ग्रहण और नहीं भी कर सकता है, आए समझ में। अच्छा टीका में इस बात को देते हैं, कर्तुम अकर्तुम इत्यस्य इदम उदाहरणम उक्तम, कौन सा उदाहरण हुआ, नहीं भाष्य में किसका हुआ, अतिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति, नातिरात्रे षोड़शीनम गृह्णाति, ये कर्तुम अकर्तुम का उदाहरण हुआ। उसके बाद टीका में दिया है, कर्तुम अन्यथा वा कर्तुम इत्यस्य उदाहरणम, कर भी सकता है और अन्य प्रकार से भी कर सकता है, इसका उदाहरण देते हैं भाष्यकार। उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति, ये देखो अग्निहोत्र जा करता है ना, ये परंपरा से दो भेद है यहाँ पर। उदिते जुहोति मतलब क्या है, सूर्य उदय होने पर अग्निहोत्र जाग करेगा, उदिते जुहोति। और क्या है अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से, उससे पहले भी कर लेगा वो, अनुदिते जुहोति, सूर्योदय से पहले भी अग्निहोत्र जाग कर सकता है, चाहे सूर्योदय की बात करो चाहे पहले से भी कर सकते हो, ये शास्त्रीय है।
इसलिए को ऐसा भी कर सकते हो तो आपको पुण्य होगा। उदिते जो होते अनुदिते जो होते, ये परंपरा है, ठीक है ना, ऐसा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।